अभी बीजेपी से पंगा आप नहीं ले सकते हैं जी। अब जीत हो गई, अब उसके बाद वो चाचा का सम्मान करेंगे, क्या करेंगे वो चिराग के ऊपर है, लेकिन चाचा पारस जाएंगे और हाजीपुर में समर्थन भी करेंगे। जब ताव दे रहे थे तब भी हमने वो खबर चलाई थी, लेकिन सबसे पहले हमने ही ये चलाया कि सूरजभान सिंह मैनेज हो गए हैं, सूरजभान सिंह बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। चाचा पारस भतीजा चिराग एक कब होंगे सर? जल्दी, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ। चिराग पशुपति पारस तो मन मना चुके हैं कि पशुपति पारस ने सरेंडर कर दिया और एक बार फिर से हमारे खबर पर मुहर लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ स्वम कृष्णा। देखिये, पशुपति कुमार पारस सीट शेयरिंग से पहले मोदी का परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के आगे लगाते हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग में उनको कोई भी तरजीह नहीं दी जाती है, एक भी सीट उनकी पार्टी को नहीं दी जाती है, उसके बाद मोदी का परिवार वो हटा लेते हैं अपने नाम के आगे से। लेकिन आज फिर उन्होंने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा लिया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे भी नेता है, उनका फैसला सर्वमान्य है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर। सर बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। और पहले क्या उन्होंने पोस्ट किया है पशुपति पारस ने, वो हम बता देते हैं। पशुपति पारस ने पोस्ट किया है, हमारी पार्टी रालोसपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है एवं उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और एक पोस्ट उन्होंने ये भी किया है कि साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा जी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है शुभम, मोदी का परिवार जो हट गया था, सबसे पहले इन्होंने ही मोदी का परिवार लगाया था, उस समय चिराग ने नहीं लगाया था जी। और इनके पार्टी के नेताओं ने कटाक्ष भी किया था कि चिराग जी ने क्यों नहीं लगाया मोदी का परिवार जी। लेकिन चिराग जी को तो सीटें चाहिए थी, बिल्कुल, और इन्हें लग रहा था कि हम मोदी का परिवार सबसे पहले लगा देंगे तो हमें सीटें मिल जाएंगी। हुआ उल्टा जी। फिर मोदी का परिवार हट गया, केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया जी। तमाम चीजें कर ली, कहा कि राजनीति में कोई साधु नहीं होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, दरवाजे धोखा हुआ है, दरवाजे खुले रहेंगे जी। और मैंने क्या खबर ब्रेक किया था सर, आपने एक सप्ताह पहले ही खबर किया था और आपने बताया था कि चाचा भतीजा एक होंगे और चाचा कहीं भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल, चाचा भतीजा भी एक होंगे, अभी तो मोदी का परिवार लिखा है जी। आगे चिराग का परिवार लिखेंगे, चिराग के चाचा कहेंगे जी। वो दिन जल्द ही आने वाला है, चुनाव से पहले ही। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जब आपने कहा था उस समय सभी लोग चला रहे थे, सभी चैनल्स चला रहे थे कि भाई पशुपति पारस आरजेडी से जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। देखिए, कोशिशें की गई थी जी, कोशिशें ऐसा नहीं है नहीं किया गया था जी, लेकिन उसका फलाफल कुछ नहीं निकला। और परिवार में फिर मंथन हुआ, पार्टी में मंथन हुआ, समझाया गया कि बीजेपी से बैर नहीं लेना है। मैंने ये भी चलाया कि सूरजभान सिंह मैनेज हो गए, बिल्कुल, सूरजभान सिंह कुछ नहीं करने जा रहे हैं जी। जब ताव दे रहे थे तब भी हमने वो खबर चलाई थी, लेकिन सबसे पहले हमने ही ये चलाया कि सूरजभान सिंह मैनेज हो गए हैं, सूरजभान सिंह बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं जी। प्रिंस पासवान आप देख चुके हैं, उन्होंने विनोद तावड़े से जाकर मुलाकात कर लिया, बिल्कुल। तो ये पूरे गुट को ये समझ में आ गया, पशुपति पारस हो या सूरजभान सिंह हो या प्रिंस पासवान हो जी, कि अभी बीजेपी से पंगा आप नहीं ले सकते हैं जी। ठीक है, इन लोगों को लग रहा है मोदी वेव है, और मोदी वेव में जब महागठबंधन आपको तरजीह नहीं दे रही है जी, तो आप मोदी के से पंगा क्यों लेंगे, अमित शाह से पंगा क्यों लेंगे। राजनीति समाप्त हो जाएगा, इन राजनीति फिर समाप्त हो जाएगा जी। अभी कुछ संभावनाएं तो बची हुई है ना, बिल्कुल। अगर चिराग से जाके सुलह कर लेते हैं, चले जाते हैं, आपको याद होगा रीना पासवान से एक जिस दिन हमने खबर ब्रेक किया था, बिल्कुल, उसी दिन रीना पासवान से हमने एक सवाल भी किया था जी। कि
आप माँ के साथ बड़ी माँ भी हैं, भाभी माँ भी हैं। अगर वो लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए तो आशीर्वाद देंगी। तो रीना पासवान ने क्या कहता, और देखिए वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ हमने किया था रीना पासवान का, उन्होंने कहा था बिल्कुल हम आशीर्वाद देंगे। उसके बाद हमने सवाल किया था कि आप कहेंगे कि चिराग का समर्थन कीजिए, तब भी उन्होंने कहा था बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे। अच्छा आप तो माँ हैं, ठीक है, और बड़ी माँ भी हैं, मैं आप समझिए मैं किन की लोग कर रहा हूँ। अगर आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए तो आशीर्वाद दीजिएगा, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल आशीर्वाद देंगे उनको, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, और कहेंगे कि बेटे का साथ दीजिए, क्यों नहीं कहेंगे। तो देखिए एक स्कोप, देखिए चिराग अभी भी पूरी तरह से मन उन्होंने नहीं बनाया है एक हो जाने का, लेकिन जब चाचा जाएंगे, भाभी माँ के पास जाएंगे, और आपको याद होगा चिराग पासवान ने, और वो बाइट हम एडिटर से कहेंगे कि वो बाइट स्पेसिफिक लगाइए, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने किया था चिराग पासवान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित जी सिर्फ ये प्रस्ताव नहीं, नित्यानंद राय ने जब प्रस्ताव दिया था तब हमने हामी भर दी थी, उसमें चाचा ने इनकार किया था जी। क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए दो खबरें मीडिया में चल रही हैं, एक खबरें ये चल रही हैं कि अभी भी पशुपति कुमार पारस किसी भी तरह लगे हुए हैं कि कुछ भी एडजस्टमेंट हो जाए, और दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि होली या उसके एक दो दिन के बाद आपकी माता जी से शायद आशीर्वाद लेने के लिए आ जाए कि चलिए कम से कम परिवार एक हो जाए, जो हुआ सो हुआ। मतलब ये फैसला उन्हीं को करना है, बट ये वही माँ है हमारी जो उनको फ़ोन करती रह गई थी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। उन्हीं के साथ मेरे छोटे भाई थे जो मेरी माँ का नाम लेकर, वो भी गलत नाम लेकर उनके बारे में वक्तव्य देते थे। ये वही हैं जब मैं बीमारी की हालत में हाथ में कैंडुला लगा हुआ था, इनके दरवाजे पर डेढ़ घंटे तक खड़ा रहा, इनका दरवाज़ा नहीं, वो मेरा भी घर था, इन्होंने डेढ़ घंटे तक वो दरवाज़ा नहीं खोला था। अंदर गया, चाची जिनके मैंने पाँव छुए तो पाँव पीछे करके वो मुझे बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा। ऐसे में मुझे नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तब भी ये सारे फैसले उन्होंने ही लिए थे, और घर के बड़े हैं, आज भी फैसला यही लोग करेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं हो सकता। अब देखिए क्या कुछ होता है, परिवार एक होता है, कब तक एक होता है, लेकिन कोशिशें उस ओर भी होंगी। पशुपति पारस पूरी तरह से माइंड मेकअप कर चुके हैं, लेकिन अब देखिए ये अचानक नहीं हुआ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से सरेंडर तो हुए हैं, सरेंडर तो पशुपति पारस खेमे ने किया है, पशुपति पारस ने किया है जी। लेकिन बीजेपी ने भी समझाया, जब वो कहे उन्होंने कहा कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे जी। जब सूरजभान सिंह ने थोड़ा ताव दिया तो बीजेपी टीम एक्टिव हुई जी। और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने समझाया कि इससे फायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और अगर अभी आप साथ देते हैं तो भाजपा आपका ध्यान रखेगी जी। और वो भी जल्दी जल्दी, अब चुनाव के बाद रखे, चुनाव के कुछ दिन 6 महीने के बाद रखे, लेकिन ध्यान रखेगी जी। तो ये भरोसा दिलाया गया है पशुपति पारस को, प्रिंस पासवान को, सूरजभान सिंह को। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि चाचा पारस भतीजा चिराग एक कब होंगे सर? जल्दी, मैं तो कह रहा हूं सब कुछ, चिराग पशुपति पारस तो मन मना चुके हैं जी। पशुपति पारस मन मना चुके हैं जी। कि वो चिराग का ग्रीन सिग्नल मिले वो अभी चले जाए जी। लेकिन चिराग ने अभी तक पूरी तरह से मन नहीं मनाया है। वो क्या कर रहे हैं कि देखिए ये फैसला जो है अकेले का मेरा नहीं, ये फैसला पहले चाचा लें उन्हें आना है कि नहीं, और उसके बाद मेरे घर में माँ लेगी, बहन बनोई बुआ, सभी को ठेस पहुंचा है। लेकिन परिवार एक होगा, आज न कल एक होगा। पशुपति पारस इसकी भी पहल करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी ने कह दिया है कि आपको पहले परिवार को एक करना होगा, उसके बाद तो हम सामंजस्य कर ही देंगे। लेकिन इस वक्त की यही बड़ी खबर जो हम ब्रेक कर रहे हैं कि पशुपति पारस ने सरेंडर कर दिया, और एक बार फिर से हमारे खबर पर मुहर लगी है, और दर्शक तो तमाम खबरें देख रहे हैं जब हमने वो चलाया। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब हमने वो खबर चलाया था उसी दिन मैं शाम को लोजपा ऑफिस गया था, सभी हैरान थे कि क्या आपने चला दिया जी। और मैंने कहा था कि अगर ये गलत है तो खंडन करके कोई दिखलाए जी। कोई खंडन नहीं आया जी। किसी तरह का खंडन नहीं आया जी। पार्टी के तरफ से, और खंडन आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने जो कहा है वही होना था। आज उसकी पहली वानगी और बड़ी वानगी दिख गई है, इंतजार कीजिए किस दिन पशुपति पारस अपनी भाभी माँ से मिलने के लिए जाए। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि पशुपति कुमार पारस ने यह भी बोला है कि बिहार में 40 के 40 सीट पर जो है हमारी पार्टी एनडीए को ही सपोर्ट करेगी। इसका मतलब चाचा पारस चिराग के लिए प्रचार करेंगे, समर्थन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाजीपुर भी
में भी अब समर्थन करेंगे ना, हाजीपुर में भी जाएंगे और वहीं से देखिए गिले शिकवे। देखिए राजनीति में ये जरूर परिवार का मामला है। देखिए राजनीतिक मामला होता तो इतना बात नहीं बढ़ती। राजनीति में आपने दुश्मन को दोस्त होते हुए देखा है, दोस्त को दुश्मन होते हुए देखा है, लेकिन चूंकि परिवार का मामला था, परिवार बिखर गया, पार्टी बिखर गई, अकेले हो गए थे चिराग पासवान, इसलिए उन्होंने ईगो की लड़ाई बना ली थी और ईगो में उनकी जीत हुई। अब जीत हो गई, अब उसके बाद वो चाचा का सम्मान करेंगे, क्या करेंगे वो चिराग के ऊपर है, लेकिन चाचा पारस जाएंगे और हाजीपुर में समर्थन भी करेंगे। चलिए धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि चाचा पारस भतीजा चिराग एक जल्दी ही होने वाले हैं और हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान का समर्थन चाचा पारस और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पे करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में उन्हें प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।